अभी हम फतेहपुर के पास यहाँ पे जो सिद्ध बद्री माउंट रिजॉर्ट है और उसके जो मालिक है खतवाल जी उनके साथ है। ये आप पीछे जो एरिया देख रहे हैं ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है और यहाँ पे वीकेंड टूरिज्म के लिए इन्होंने यहाँ पे रिजॉर्ट बनाया हुआ है और करीब 4-5 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मुहैया कराने की कोशिश आपने की है। आइए खतवाल जी से बातचीत करते हैं। खतवाल जी, बधाई के पात्र हैं आप कि अपना पैसा लगा के आप पहाड़ में पलायन रोकने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास कब से कर रहे हैं आप? ये प्रयास अगर मैं शुरू से बताऊं तो लगभग हमारा 8-9 साल पहले से प्रयास चालू है। ये रिजॉर्ट बनने से पहले यहाँ पे एक हमारी गाय की डेयरी थी, तब से हमने लोकल में कुछ करने के बारे में सोचा, बट डेयरी कुछ कारणों से हम चला नहीं पाए। कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमें एक्सपीरियंस की कमी थी, तो उसके बाद वो डेयरी 2-3 साल बंद रही। फिर हमें लगा कि लैंसडाउन अपकमिंग एरिया है टूरिज़्म के लिए, तो हमने फिर इसको डेयरी से होटल में कन्वर्ट कर दिया। आपसे बात करते हुए कुछ चलते भी रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा कोर्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप आते हैं तो कम से कम लेजरली एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हैं आप और भी लेजरली एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और ये पीछे आप मेरे साथ आए तो आपको दिखाऊंगा, ये बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट यहाँ पे बना हुआ है। खतवाल जी, इसमें कितने आपके रूम्स हैं, एकोमोडेशन क्या क्या है? हमारे अभी लगभग 9 रूम हैं जिसमें 8 डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए, और एक जो है हमारा फैमिली सूट है जिसमें लगभग 8 या 10 फैमिली मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं। खतवाल जी, जैसे हम देखें कि आपने जो रिजॉर्ट के लिए जो प्लानिंग होती है वो प्रॉपरली की है, और मैं देख रहा हूँ कि लॉन और ये पूरा जो आपने पूरा यहाँ पे सेटअप तैयार किया है काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह के रिजॉर्ट कम है इस इलाके में, तो क्या आप बाहर से किसी को प्लान करने के लेके आए थे या सब आपकी प्लानिंग है? नहीं, कुछ इनिशियल हेल्प हमने आर्किटेक्ट से बाहर से ली है, और उसके बाद वैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो आप इसको देखेंगे, हमारी पहले डेयरी थी तो बेसिक स्ट्रक्चर वही है जी। क्योंकि हम पैसे के भी इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास नहीं थी कि हम इसको बहुत बड़ा कंस्ट्रक्ट कर सके, तो बहुत धीरे धीरे हमने इसको शुरू किया है। तो डेयरी की जो कंस्ट्रक्शन थी हमने उसको कन्वर्ट किया है इस होटल में। आगे हम चले तो ये खास बात है कि जब सड़क से आप इधर को उतरते हैं, एक आपने पुल बना दिया है और इसमें आपने लिखा कि 4 लोग इसमें एक टाइम पे पार कर सकते हैं। इसमें काफ़ी खर्चा भी आया होगा और इसकी परमिशन लेने में भी दिक्कतें आई होगी आपको, कितना पैसा लगा होगा इसमें? लगभग इसमें हमारा 6-6.5 लाख रुपए लगा है। और परमिशन, देखिए दिक्कतें तो हर काम में है, उसमें दिक्कतें तो थी क्योंकि आप अक्रॉस द रिवर अगर कोई पुल बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सारे फॉरेस्ट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, DM लेवल से परमिशन लेनी पड़ती है। लीगल वे में काम करना है तो वो सारे आपको काम पूरे पक्के रखने पड़ेंगे, तो लिया है, थोड़ा टाइम लगा बट वो अल्टीमेटली फिर उन्होंने हमें परमिशन दी। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि शायद ये सामने जो है ये आपका रेस्टोरेंट होगा जी। ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे किस तरह की कुजीन वगैरह, क्या क्या फूड यहाँ पे मिल जाता है, नॉन वेज वेज, या जिस तरह से कई लोग पहाड़ी व्यंजन भी मांगते हैं तो किस तरह का खाना आप प्रोवाइड कर लेते हैं? जनरली हम लोग प्रमोट करते हैं कि पहाड़ी व्यंजन भी हम बनाने की ऑफ़र रखें, खिलाने का ऑफ़र रखें कस्टमर्स को। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली NCR से आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें लोकल डिश चाहिए, तो हम उनको लोकल फाणू है, झुंगरों का भात है, तो वो हम देते हैं उनको। बाकी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों मिलते हैं। बस पकड़े जाता है। एक वो कार्ड बन रहा है ना मित्र पुलिस का, दुगटा भी बन रहा है, एक मैंने भी बनवाया वो कार्ड। वो नहीं करता तो एक पिक्चर में नहीं सर, आप तो ये खतवाल जी थे जो अपने स्तर से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज्म के माध्यम से रोजगार पैदा किए जाए, और उसमें काफ़ी हद तक वे सफल भी हो रहे हैं। जागो उत्तराखंड के लिए फतेहपुर भिलंगी से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।